लगातार दूसरे साल मर्जिया पठान आयोजित करेगी सुपर 70 ड्राइविंग कंपटीशन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उभरती युवा नेत्री मर्जिया पठान द्वारा अलग अलग वर्ग बनाते हुए अलग अलग क्लासिफिकेशन के तहत स्कूली छात्रों से लेकर बड़ों के लिए ड्राइविंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है सुपर 70 मुमरा कौसा सुपर 70 के नाम से। इस संबंध में एक पत्रकार परिषद लेकर मर्जिया पठान ने जानकारी दी। सुनिए मर्जिया पठान से किस तरह से होगी ये ड्राइविंग कंपटीशन जो मुमरा कौसा सुपर 70 के नाम से आयोजित की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। 2022 सितंबर में हमने एक पहल की थी हमारे मुमरा कौसा के बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन के जरिए, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से और मुमरा कौसा के लोगों की दुआओं से उस पहल का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको डायमंड हॉल कम पड़ गया, इतना अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उसके बाद हम आज फिर से उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम मुमरा कौसा का सेकेंड बिगेस्ट, पिछले भी साल से और बड़ा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन रखने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन तनवर नगर ग्राउंड में, जो कि नशीमन के अपोजिट है, वहाँ पर होगा 2 अक्टूबर को ड्राइंग कंपटीशन होगा शाम को 5:30 बजे से 9 बजे तक के, और फिर 3 अक्टूबर को वहीं पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा शाम में 7 बजे से 10 बजे तक के। इस ड्राइंग कंपटीशन का जो प्राइज है 2 लाख तक के जाने वाला है, और उसकी कैटेगरीज जो है हमने इस तरह रखी है बिकॉज उस दिन गांधी जयंती पे तो हमने उसकी एक पूरी अलग कैटेगरी बनाई है। वो कैटेगरीज हमने इस तरीके से रखी है, एक कैटेगरी जो है वो 1st से 4th स्टैंडर्ड तक के है, क्योंकि अक्सर जो है उसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो मम्मी हैं छोटे छोटे बच्चों की बोलते हैं कि कैसे भी बस हमारे बच्चों को बैठना है ताकि उनको मोरल उनका हाई होते जाए, तो उसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट यूजुअली करते हैं। तो 1st से 4th स्टैंडर्ड है उसमें हम जो है विनर्स है वो 20 निकालेंगे, वो स्पेशल कैटेगरी हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड टोटल हम लोग का हमने ये प्रोग्राम का हैशटैग ही रखे है मुमरा कौसा सुपर 70। पिछली बार ही मुमरा कौसा सुपर 40 था, इस बार हम लोग मुमरा कौसा सुपर 70 निकालेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट कैटेगरी है 1st से 4th स्टैंडर्ड तक, सेकेंड कैटेगरी है 5th से 7th तक, थर्ड कैटेगरी है 8th से 10th तक के, फोर्थ कैटेगरी है ओपन, 5th कैटेगरी है गांधी जयंती स्पेशल, और 6th कैटेगरी है इस्लामिक कैलीग्राफी। जो 1st कैटेगरी है उसमें हम लोग 1st, 2nd, 3rd होंगे विनर्स जो है। 1st विनर को मिलेगा 5,000 रुपीज, 2nd को मिलेगा 3,000, और 3rd को मिलेगा 2,000, और उसके अलावा 17 विनर्स और निकालेंगे, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो। तो 17 लोगों को हम लोग 1,000 रुपीज देंगे एज कॉन्सोलेशन प्राइज। उसके अलावा जितनी भी बाकी कैटेगरीज है उसमें हम लोग फर्स्ट प्राइज को देंगे 11,000, सेकेंड प्राइज को देंगे 7,000, थर्ड प्राइज को देंगे 5,000, और जो बाकी के 10-10 हम लोग निकालते हैं उन लोगों को 1,000 कॉन्सोलेशन प्राइज देंगे। तो ऐसे हमारे टोटल 70 विनर्स निकलेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम लोगों ने जो कैटेगरीज उनको जो टॉपिक्स दी है, गांधी जयंती स्पेशल है तो एक पूरी कैटेगरी बनाई हमने गांधी जयंती के, क्योंकि गांधी जी को उनको ड्रॉ करना होगा। उसके अलावा हमने दिया है एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि हमारे माशरे में ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे माशरे में जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो अडल्ट भी है, हमको इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कौन थे हमारे देश के, तो वो एक टॉपिक हमने दी है। उसके अलावा हमने उनको दिया इस्लामिक कैलीग्राफी एक रखा है जिसमें उर्दू और अरबी के जो बच्चे हैं वो छूट ना जाए, क्योंकि काफ़ी उर्दू और अरबी के बच्चे जिनको कैलीग्राफी करना बहुत अच्छे से आता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे हम लोगों ने एक टॉपिक दी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस किया जाए, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है से नो टू ड्रग्स। तो ऐसे हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट मैं ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने रख रही हूँ। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारी खास करके ये नीयत है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुमरा कौसा के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका टैलेंट अलग अलग तरीके से बाहर निकले, कभी एजुकेशन के जरिए से, कभी आर्ट के जरिए से, कभी क्विज के जरिए से। तो ना सिर्फ मुमरा में, थाने में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमारे मुमरा कौसा के बच्चे जो है वो नाम रोशन करें।
लास्ट ईयर 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सोचा भी नहीं था उतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने। ये साल का एक्सपेक्टेशन, इस साल डबल एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की, इसलिए हम लोगों ने तनवर नगर ग्राउंड रखा है ताकि बच्चों को आराम से बिठा सके और ताकि क्राउड कवर हो सके। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? देखिए अधिक जानकारी जो है बहुत जो है मेरे फेसबुक पे आपको मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मिलेगी और ऑफिस पे आपको मिलेगी। फॉर्म जो है वो चालू हो रहे हैं 10 सितंबर से भरना, क्योंकि आपको आके आपकी टॉपिक सिलेक्ट करनी रहेगी ना, तो हम लोग उसके हिसाब से बाइफरकेशन करेंगे। यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम था आपको ऑफिस पर आकर फॉर्म जमा करना है, फॉर्म पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी टॉपिक चूज करनी है। 10 सितंबर से फॉर्म चालू हो रहे हैं, 27 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म। जिस दिन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन रहेगा, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन शाम में रखा है हम लोगों ने 5:30 से 9:30 तक के। सुपर 70 है तो अगर कोई आंकड़ा बढ़ता है तो बढ़ेगा 72-75। हमने मैक्सिमम आंकड़ों को बढ़ाकर मतलब मैक्सिमम लोगों को पकड़ कर ही हम लोगों ने 70 ऊपर अगर कोई और बच्चा अच्छा बना तो उसको लेंगे। यस, सुपर पावर तो अच्छा शानु पठान सर के पास रहेगा ही, 70 के ऊपर जा सकता है। यस, जा सकता है। जिस तरह गए साल आपका उसमें भाग लेने में काफी पब्लिक छूट गई थी, जिस तरह डायमंड कम पड़ गया था, तो इस वक्त आपने ग्राउंड लिया है तो उसके लिए किस तरह का इंतजाम किया गया? देखिए काफी पब्लिक छूट गई थी डायमंड हॉल की वजह से नहीं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेट किया उसकी वजह से। वैसे तो हम लोग अगर पब्लिक एंड में भी हम लोगों ने बहुत लोगों को डायरेक्टली अंदर एंट्री दी थी, बिकॉज उन्होंने भाग पहले से फॉर्म नहीं भरा था।